ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती क्यों हैं? और क्या ये शहद फूलों के रस से ही बनता है या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं। असल में दोस्तों, हर जीव अपने आप को हर सिचुएशन में बचाने की कोशिश करता है, वैसे ही मधुमक्खियां भी हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में खुद का पेट भरने और जिंदा रहने के लिए शहद बनाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस पीती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए सारी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस पीना पड़ता है। ये मधुमक्खियां बहुत मेहनत से शहद जमा करती हैं, लेकिन इंसान उस छत्ते को तोड़कर उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान कभी भी शहद को पूरा नहीं तोड़ पाते, क्योंकि मधुमक्खियां अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। ऐसे में इंसान मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं तब वो पूरा शहद नहीं निकाल पाते और उसमें कुछ शहद बच जाता है, जिससे मधुमक्खियां अपना पेट भरती हैं। वैसे क्या आपको शहद पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना।